Hello students, welcome back. Mosby NCLEX series MCQ number 40. And here is the question: A 45-year-old physician is admitted to the psychiatric unit of a community hospital. The client is restless, loud, aggressive, and resistive during the admission procedure. And state, I will take my own blood pressure. What is the most therapeutic response by the nurse? Right now. डॉ ऑप्शन नंबर वन राइट ना डॉक्टर यू आर जस्ट अनादर क्लाइंट बी इफ यू वुड रेदर डॉक्टर आई एम श्योर यू विल डू इट ओके सी इफ यू डू नॉट कॉपरेट आई विल गेट द अटेंडेंट्स टू होल्ड यू डाउन एंड फोर्थ आई एम सॉरी बट आई कैन नॉट अलाउ दैट आई मस्ट टेक योर ब्लड प्रेशर सोच लें समझ लें क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लें ऑप्शंस को एक बार पढ़ें एलिमिनेट करें आराम से सॉल्व करें और आपका समय शुरू होता है अब ऑप्शंस का मीनिंग समझने की कोशिश करें एलिमिनेट करें क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं वो ध्यान रखें चलिए स्टार्ट करते हैं मैं ऑप्शन समझा रहा हूं अगर अभी भी आपने आंसर नहीं दिया है तो आप अभी भी अपने आंसर को चूज कर सकते हैं एक फोर्टी फाइव ईयर ओल्ड फिजिशियन ए फोर्टी फाइव ईयर ओल्ड फिजिशियन एडमिटेड टू साइकेट्रिक यूनिट ऑफ अ कम्युनिटी हॉस्पिटल मतलब फिजिशियन खुद एडमिट है 45 फाइव एज है फिजिशियन खुद एडमिट है साइकेट्रिक यूनिट में दी क्लाइंट और वो जो फिजिशियन है रेस्टलेस है लाउड है एंड अग्रेसिव है और रजिस्ट कर रहा है प्रतिरोध कर रहा है विरोध कर रहा है अपने एडमिशन प्रोसीजर के दौरान और बोल रहा है आई विल टेक माई ब्लड प्रेशर ओन मतलब मैं खुद मेरा ब्लड प्रेशर चेक कर लूँगा क्योंकि वो फिजिशियन है इस समय नर्स का क्या मोस्ट थेरापटिक रेस्पॉन्स होगा ये क्वेश्चन है राइट नाउ डॉक्टर यू आर जस्ट अनदर क्लाइंट अभी आप दूसरे क्लाइंट की तरह ही हैं ऐसा नर्स बोलेगा इफ़ यू वुड रेदर डॉक्टर आई एम श्योर यू विल डू इट ओके हाँ अगर आप ब्लड प्रेशर खुद चेक करेंगे तो आई एम श्योर कि आप इसे बहुत अच्छे से चेक कर लेंगे इफ़ यू डू नॉट कॉपरेट अगर आप कॉपरेट नहीं करेंगे तो आई विल गेट यू अटेंडेंस टू होल्ड यू डाउन कि मुझे दूसरों की मदद लेनी पड़ेगी आपको शांत करने के लिए आई एम सॉरी मुझे माफ कीजिए बट आई कैन नॉट अलाउड दैट पर क्योंकि मैं इसे अलाउड नहीं कर सकता आई मस्ट टेक योर ब्लड प्रेशर मुझे ही आपका ब्लड प्रेशर लेना होगा चार ऑप्शन हैं लास्ट टेन सेकेंड एंड देन वी विल डिस्कस द आंसर शुरू करते हैं सबसे पहले जो बिल्कुल नहीं लग रहा उसे हटाते हैं और जो बिल्कुल नहीं लग रहा वो क्या है ऑप्शन नंबर सी इफ़ यू डू नॉट कॉपरेट अगर आप कॉपरेट नहीं करेंगे तो मुझे किसी और की मदद लेनी पड़ेगी यहाँ पे देखिए कोई क्लाइंट भले ही वो फिजिशियन है बट कंडीशन वर्स्ट नहीं हो रही वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव या वायलेंट नहीं हो रहा है कि हमें किसी और की मदद लेनी पड़े और हम उसे ऐसा बोलेंगे तो ये आंसर नहीं है सबसे पहले इसे हटाते हैं बचे तीन राइट नाउ डॉक्टर यू आर जस्ट अनदर क्लाइंट आप अभी दूसरे क्लाइंट की तरह ही हैं देखिए डॉक्टर या फिजिशियन एडमिट है और इट इज द मैटर ऑफ सेल्फ एस्टीम इट इज द मैटर ऑफ सेल्फ एस्टीम हम इतना हार्स स्टेटमेंट नहीं बोल सकते यानी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम इतना हार्स स्टेटमेंट एक फिजिशियन को बोल सकते हैं इट इज अ मैटर ऑफ सेल्फ एस्टीम अब बचे दो क्या लग रहा है बी इफ यू वुड रेदर डॉक्टर आई एम श्योर यू विल डू इट ओके आप इसे अच्छे से चेक कर लेंगे बिकॉज ही इज अ फिजिशियन लेकिन यहां पर नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज दिखाई नहीं दे रही क्योंकि ब्लड प्रेशर चेक करना नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है वाइटल्स चेक करना और मुझे माफ कीजिए बट मैं इसे अलाउ नहीं कर सकता क्योंकि मुझे ही आपका बीपी चेक करना होगा इट इज डायरेक्टली इंडिकेटेड इन नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन एक और इजी क्वेश्चन मौसवी का और आपके लिए और इजी बनाने के लिए मैंने जगह जगह पर अंडरलाइन की हुई है आप फोकस करें इन शब्दों पे क्वेश्चन खुद पढ़ें फॉर मोस्ट फॉर मोस्ट नर्सेज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप रिमेनिंग थेरापटिक एंड प्रोफेशनल बींग एबल टू अंडरस्टैंड एंड अक्सेप्ट क्लाइंट बिहेवियर डेवलपिंग एंड अवेयरनेस ऑफ द सेल्फ एंड द प्रोफेशनल रोल इन द रिलेशनशिप अक्सेंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज इन आइडेंटिफाइंग एंड एवेल्युएटिंग द रियल नीड ऑफ द क्लाइंट सोच लें टाइम स्टार्ट नाउ एक बार क्वेश्चन को और पढ़ लें एक बार ऑप्शन को और पढ़ लें शुरू करते हैं सोचिए एलिमिनेट कीजिए क्वेश्चन इजी है बट आप थोड़ा कंफ्यूज इसमें हो सकते हैं सोचिए ऐसा कोई टास्क या ऐसा मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप का कौन सा है जो नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप में थेराप्यूटिक रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है हो सकता है तीन या चारों ऑप्शन आपको सही लग रहे हों, बट फोकस करें मोस्ट डिफिकल्ट मोस्ट डिफिकल्ट क्योंकि मोर देन वन आंसर भी राइट right हो सकते हैं पर हमें सिर्फ प्रायोरिटी से एक आंसर चुनना है आई थिंक आपने डिसाइड कर लिया होगा शुरू करते हैं और सबसे पहले उस ऑप्शन को हटाते हैं जो लग रहा है कि आंसर नहीं होगा वैसे मैं ये बता दू कि चारों ही डिफिकल्ट पार्ट है नर्स क्लाइंट थेरापेटिक रिलेशनशिप में नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप आपने सुना होगा आई पी आर वाली जो थ्योरी है वो आपने पढ़ी होगी तो मैं आपको बता देता हूं अक्सेप्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज रेस्पॉन्सिबिलिटी को अक्सेप्ट करना इन आइडेंटिफाइंग एंड इवेल्युएटिंग द रियल नीड ऑफ द क्लाइंट कि क्लाइंट की रियल नीड वास्तविक नीड क्या है इनका पता लगाने के लिए और इनको इवेल्युएट करने के लिए दोबारा बोल रहा हूं क्लाइंट की नीड्स का पता लगाने के लिए और उन्हें एवेल्युएट करने के लिए जिम्मेदारियों को असेप्ट करना जिम्मेदारियों को असेप्ट करना लग रहा है आंसर डिफिकल्ट पार्ट है कि आखिर हमारे हमें जो क्लाइंट अलॉट हुआ है हमें जो पेशेंट अलॉट हुआ है उसकी वास्तविक नीड क्या है उसकी केयर प्लान बनाने के लिए लेकिन उनका पता लगाने के लिए जिम्मेदारियों को अपने ऊपर लेना इतना मुश्किल तो नहीं है एज ए नर्स आपको रेस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सेप्ट करना होगा तो ये मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट नहीं है अब तीन बचे अब बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट द क्लाइंट बिहेवियर क्लाइंट का व्यवहार कैसा है इस चीज को समझना और उसे समझ के क्या करना एक्सेप्ट करना ये भी एक डिफिकल्ट पार्ट है क्योंकि कई बार क्लाइंट अग्रेसिव होता है कई बार क्लाइंट हमें रेस्पॉन्स ही नहीं दे रहा होता कई बार क्लाइंट बिल्कुल डिप्रेस होता है कई बार क्लाइंट बिल्कुल अनकम्युनिकेटिव होता है तो उसका जो भी बिहेवियर है हो सकता है वो अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज कर ले तो उसका जो बिहेवियर है उसका पता लगा के और उसे एक्सेप्ट करना भी नर्स के लिए मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट है बट ये भी इससे भी मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इस रिलेशनशिप का इन दोनों में से है तो ये भी आंसर नहीं है ए और सी सी ऑप्शन बोल रहा है कि खुद के बारे में अवेयरनेस और मेरा प्रोफेशनल रोल क्या रहेगा इस रिलेशनशिप में इसकी अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है और ये सबसे मुश्किल पार्ट है और ए ऑप्शन बोल रहा है कि थेराप्यूटिक और प्रोफेशनल बने रहना ये मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट है तो क्या लग रहा है आंसर दोनों में से राइट right आंसर मैं दोनों को एक साथ इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इन दोनों का एक दूसरे से रिलेशन है राइट आंसर है इसका सी अब समझ लेना एक बार राइट आंसर सुनते ही ऐसा नहीं कि हमें क्वेश्चन आ गया अवेयरनेस ऑफ सेल्फ खुद की अवेयरनेस खुद की अवेयरनेस मतलब खुद की सेल्फ फीलिंग्स मरीज को डील करते समय उसकी अवेयरनेस और इस रिलेशनशिप में मेरा प्रोफेशनल रोल क्या रहेगा उस चीज का आइडेंटिफिकेशन कि क्योंकि मेरा प्रोफेशनल रोल भी हो पेशेंट को अफेक्ट कर सकता है उसकी सिचुएशंस को अफेक्ट कर सकता है मान लो पेशेंट का बिहेवियर तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया ऑप्शन नंबर बी में बोल रहा है कि पेशेंट का बिहेवियर अक्सेप्ट करें उसका बिहेवियर तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया मैं ही हारश हूं उसके प्रति मेरी फीलिंग्स ही अग्रेसिव है उसके प्रति तो क्या नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप बन पाएगा नहीं या मैं ही दिमाग में सोच के जा रहा हूं कि मैं ठीक से नहीं कर पाऊंगा केयर तो कहने का मतलब पहले तो खुद को तैयार करना खुद की अवेयरनेस ऑफ सेल्फ और मेरा प्रोफेशनल रोल क्या रहेगा इस रिलेशनशिप में वो डिसाइड करना ये सबसे मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट है ध्यान दीजिएगा ये भी डिफिकल्ट पार्ट है पर एक बार अगर नर्स का प्रोफेशनल रोल प्रोफेशनल रोल डिसाइड हो गया तो फिर बने रहना प्रोफेशनल या थेराप्यूटिक बने रहना रिमेन रहना दैट इज नॉट द मोस्ट टिपिकल पार्ट सो द राइट आंसर इज सी ऑप्शन नंबर थर्ड अच्छा क्वेश्चन था आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हैव अ नाइस डे एंड गुड लाइक